नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं EVS के बारे में। EVS यानी एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड वाटर सिक्योरिटी, जो कि एक सब्जेक्ट है 11th 12th के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड में कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसका प्रोजेक्ट भी मिलता है लास्ट ईयर 12th में बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको कैसे लिखना है आज हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो ना तो कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब, और जो बाजू वाली बेल आइकन उसको प्रेस कर दो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हैंड रिटन असाइनमेंट रहेगा 20 मार्क्स के लिए और हैंड रिटन प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 30 मार्क्स के लिए। देखो, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क दोनों अलग चीज़ है। असाइनमेंट यानी आप उसको एक होमवर्क समझ सकते हो, जो कि आपको हर लेसन खत्म होने के बाद मिलेगा। टीचर कुछ क्वेश्चन सर देगी, आपको उसको लिखना होगा। और प्रोजेक्ट वर्क पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद टीचर आपको कोई एक टॉपिक देगी जिस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा और लास्ट में सबमिट करना होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस पर आपको मार्क्स मिलता है, ग्रेड मिलता है। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। आज हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करेंगे, असाइनमेंट के बारे में नहीं। आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है, देखना है प्रोजेक्ट वर्क लिखते समय। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, हमें अपने प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि जो आपने टॉपिक चुना है, ठीक है, जो टॉपिक चूज़ किया उसके बारे में जानकारी दीजिए। जस्टिफिकेशन ऑफ चूजिंग द टॉपिक, और आपने इसी टॉपिक को क्यों चूज़ किया है ये भी बताना है, ठीक है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग का चूज़ करोगे तो आप बता सकते हो कि मुझे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को बताना है इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला ये हो गया इंट्रोडक्शन, जो भी टॉपिक आप चूज़ करोगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप एक पेज लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि उसका महत्व क्या है। देखो, पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन बता दिया, परिचय दे दिया, अब उसका महत्व क्या है वो आपको बताना है। हमारी डे टू डे लाइफ से वो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो किस तरह से जुड़ा हुआ है, हमें किस तरह से प्रभावित करता है वो जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, ये आपको बताना है। आप इसे भी एक पेज पर लिख सकते हो, ठीक है, एक पेज इतना लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि ये आपके प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट से लोगों को बताना क्या चाहते हो। और आपको जब भी ये ऑब्जेक्टिव लिखते हो ना तो आपको टू, ठीक है, टू इस वर्ष से स्टार्ट करना है। मान लो मैंने लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इस टॉपिक का प्रोजेक्ट, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ ऑब्जेक्टिव, मैं लिख सकता हूँ टू वर्क फॉर हेल्दी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, टू वर्क टू प्रिवेंट एक्सेसिव पॉल्यूशन। तो आपको हमेशा ना टू से, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो तो टू इस वर्ष से स्टार्ट करना है आपका ऑब्जेक्टिव। और ये आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एम क्या क्या है। अगला पॉइंट है मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रोजेक्ट। मेथोडोलॉजी मतलब होता है कार्य प्रणाली। आपने जानकारी को, ठीक है, आपको जो भी टॉपिक मिला है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने डेटा कैसे इकट्ठा किया, कहाँ से इकट्ठा किया, उसी को बोलते हैं मेथोडोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको मच्छी पालन इस टॉपिक पर लिखना है प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे, आप जानकारी इकट्ठा करने के लिए फोटोग्राफ्स लेने के लिए अपने नज़दीकी मच्छी पालन केंद्र पर जाओगे, वहाँ पर फ़ोटोज़ लोगे, वहाँ के लोगों से बात करोगे कि कैसे होता है मच्छी पालन, कैसे होता है, ठीक है, मच्छी को क्या क्या खिलाया जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है। तो यही तो हो गया आपका मेथोडोलॉजी, कार्यप्रणाली आपकी यही हो गई कि आपने साइट को, ठीक है, आपने फील्ड विजिट किया और आपने डेटा कहाँ से लिया, ये भी आपको लिखना है, ठीक है, जगह का नाम लिखना है, आप कहाँ पर गए, किस डिस्ट्रिक्ट में गए, कौन से गांव में गए, आपको ये सब एक विस्तार में लिखना है, ठीक है, एक पैराग्राफ में लिखना है, एक पेज पर लिखना है, ठीक है, कि आपने कैसे, ठीक है, आपने फील्ड विजिट किया और आप कहाँ पर गए, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद अगला आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। आपने जो भी जानकारी ली, आपने क्या क्या जानकारी ली, आपको लिख देना है कि यहाँ पर मच्छी का पालन इस तरह से होता है, उन्हें इस मौसम में ये खिलाया जाता है। उसके बाद आता है एनालिसिस, यानी कि आपने उसका एनालिसिस कैसे किया, आपने जो डेटा लिया है आप उससे क्या समझते हैं, आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि ये पूरे आपके प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। तो चलो गाइस एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट लिखना है। एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। आप इसको सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट में सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी दी हुई है, और यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया गया लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आई हैव चूजन दिस प्रोजेक्ट टू वार्न पीपल ऑफ ऑल इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सो लेट नो व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया मैंने लिखने के लिए। सो आप थोड़ा हैंड राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, जानता हूँ हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद थोड़ा
ब्रीफ में मैंने बताया कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सारी जानकारी नेट से निकाल कर लिख सकते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस, यानी कि ये हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। गाइस अब आता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य क्या है आपके प्रोजेक्ट का। तो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको टू से, ठीक है, टू इस वर्ष से स्टार्ट करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट आप देख सकते हो, टू वर्क फॉर प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग हेल्दी नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू अवेयर पीपल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि मुझे लोगों को बताना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इसके बुरे प्रभाव के बारे में लोगों को बताना है। सेकेंड उसके बाद क्या है, टू वर्क फॉर हेल्दी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। उसके बाद था टू वर्क फॉर प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी सोर्सेज। सो देखो सब टू से, जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है और सब टू से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टू से ही लिखना है, टू से स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है मेथडोलॉजी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि मैंने सारी जानकारी नेट से ली है, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम में बाहर जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने सारी जानकारी नेट से ली है, ठीक है, इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी है मैंने उसके माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और अपने कौन कौन से वेबसाइट से जानकारी ली है आपको ये भी मेंशन करना है, ठीक है। मैंने सारी वेबसाइट लिखी है, विकिपीडिया, और उसके बाद आप सकते हो nationaljeographic.com, livescience.com, यानी कि आपने जितनी भी वेबसाइट से जानकारी ली है ना आपको लिखना है। गाइस अब आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने रिसर्च करने के बाद, जानकारी इकट्ठा करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया है वो आपको लिखना है। तो मेरा प्रोजेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि उसका एविडेंस क्या है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैसी कौन सी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और उसके बाद मैंने लिखा है मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि उसके कारण क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के। और गाइस याद रखिएगा, आपको एक ग्राफ, ठीक है, जो भी आप डेटा बनाते हो ना उसका आपको एक ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ क्यों, क्योंकि ग्राफ से आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, थोड़ा एट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है, और एक प्रोफेशनल दिखेगा। इसलिए आपको ना जो भी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो ना उसका आपको ग्राफ बनाना है, और लास्ट में सोर्स भी लिखना है, ठीक है, आपने कहाँ से लिया इस ग्राफ को, मतलब आपने जितनी भी जानकारी ली है ना दोस्तों उसका आपको सोर्स लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ट्रस्टेड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाना है। अब आता है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। देखो मैंने यहाँ पर ना ऑब्जर्वेशन में पॉइंट लिखे थे मेन कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कौन कौन से कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और एनालिसिस में मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आपको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो यही है बस, आप देख सकते हो। और इसमें भी जो जहाँ पर ग्राफ रहेगा, ठीक है, जहाँ पर डेटा कुछ रहेगा ना उसको आपको ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। और सोर्स भी आपको लिखना है, सोर्स आपने कहाँ से इस डेटा को इकट्ठा किया है आपको सोर्स लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सोर्स लिखा है इंटरनल एनर्जी एजेंसी, सो यही आप देख सकते हो। उसके बाद आता है आगे जाकर, आप देखोगे आगे आपका लास्ट में आता है कंक्लूशन, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का मकसद क्या था, आप अपने प्रोजेक्ट के मकसद में कामयाब हुए कि नहीं, आपको ये लिखना है। तो बस गाइस आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।